दोस्तों, यह देखना वाकई दिलचस्प होता है कि सफल लोग अपनी समस्याओं से कैसे डील करते हैं और उनके समाधान कैसे ढूंढते हैं। जहां अधिकतर लोग इन समस्याओं को अपनी सफलता के रास्ते में रुकावटों के रूप में देखते हैं और घबरा जाते हैं, वहीं सफल लोग इन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकार करते हैं और इनका सामना कर ज्यादा सफल होते हैं। वह अपनी कठिनाइयों से इसलिए साहस के साथ लड़ पाते हैं क्योंकि उनमें सभी नकारात्मक विचारों को जाने देने की काबिलियत होती है। अधिकतर लोग इन्हीं नकारात्मक विचारों की वजह से चुनौतियों से लड़ नहीं पाते। दोस्तों, असल में सफलता आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। आपको जरूरत होती है तो बस अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की और सकारात्मक तरीके से चुनौतियों से लड़ने की। दोस्तों, जानते हैं कि कौन से चुनौतियां आपको सफल बना सकती है। नंबर 1, उम्र। आयु असल में सिर्फ एक नंबर है। सफल लोग अपनी उम्र को कभी अपनी सफलता के आड़े नहीं आने देते। वह कौन है और क्या करने की क्षमता रखते हैं, इसकी पहचान उनके उम्र से कभी नहीं होती। हो सकता है कि लोग आपकी उम्र की वजह से आपको बताएं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बेहतर यही है कि आप उनकी सुने। दोस्तों, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप किसी भी उम्र में सफलता पा सकते हैं। बस अपने दिल की सुने और अपनी मंजिल की ओर विश्वास से बढ़ें। उम्र का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। लोग बहुत कम उम्र में या फिर अधिक उम्र में भी कामयाब होते हैं। नंबर 2, नकारात्मकता। दोस्तों, याद रखें कि जिंदगी में हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति सकारात्मक रवैया रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नकारात्मकता घेरती है, तब वह उससे अपने सकारात्मक सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने की बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और आगे बढ़ें। नकारात्मकता से लड़कर ही आप सफल होंगे। सफलता आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आप चीजों को लेकर सकारात्मक सोच रखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाएगी। वहीं नकारात्मक विचार रखने से आप हमेशा पूर्वग्रहों से घिरे रहेंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपनी विफलताओं को इस रूप में लेंगे कि उनसे आपको सीखने को मिलेगा, तो आप भविष्य में बेहतर कर पाएंगे। नंबर 3, डर से ना डरे। दोस्तों, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ नहीं है, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वह अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वह डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। दोस्तों, वह खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वह अपने डर से लड़ सकते हैं। आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 4, भूत या भविष्य। दोस्तों, डर की तरह ही आपका बीता हुआ कल या आने वाला कल महज आपके दिमाग की उपज है। आप कितना भी पश्चाताप कर लें, अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते। और भले ही कितनी ही चिंता क्यों ना कर लें, अपने आने वाले कल पर भी आपका बस नहीं चलता। सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपने बीते हुए कल को और अपने भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करें और अपने आज पर अपना ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 5, दूसरे क्या सोचते हैं। दोस्तों, जब आप दूसरों को खुद से तुलना करके खुद को संतुष्ट महसूस करने लगते हैं, तब आप लंबे समय तक सफल नहीं रह पाते। इसलिए आपको कभी अपनी कामयाबी की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। याद रखें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद अपने काम से संतुष्ट हैं, तो वह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, सफल होने के लिए आपको यह जानना जरूरी नहीं कि दूसरे आपके बिजनेस या आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन सब की चिंता करके आप केवल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, जब आप खुद अपने काम को लेकर अच्छा महसूस करेंगे, तो दूसरे आपको किसी भी कीमत पर विचलित नहीं कर पाएंगे। अतः
आप सभी काम अपनी खुशी के लिए कीजिए, ना कि दूसरों की बातों के बारे में सोचकर। नंबर 6 एंड लास्ट, बुरा चाहने वाले लोग। दोस्तों, लोगों की कड़वी बातों का जवाब सफलता से दें। जिस तरह अच्छे लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उसी तरह दूसरों का बुरा चाहने वाले लोग हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हमेशा कड़वी बातें या नकारात्मक बातें बोलकर आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी से जलते हैं या आपका बुरा चाहते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपको उनकी बातों को अहमियत नहीं देना चाहिए। याद रखें कि जब तक आप खुद को सही लोगों के साथ नहीं रखेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको ऐसे लोगों की बातों को चुनौतियों के रूप में लेना चाहिए और खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपकी सफलता ही इन लोगों की बातों का जवाब होगा। दोस्तों, सफलता के इस 6 चुनौतियों को अवश्य फॉलो करें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।